सो भाई मार्केट में 160 सीसी की जो बाइक है ना वो बहुत ज्यादा आ गई है। बात करें अगर हीरो में तो हीरो में भी 160 सीसी का है, होंडा में भी आपको एसपी 160 दिखेगा, बजाज में भी 160 सीरीज का है, यामाहा में भी 160 है और टीवीएस में भी 160 है। अब हमारे अक्सर जो लोग हैं ना, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया 160 सीसी में अगर हमें सबसे बेस्ट बाइक खरीदनी हो तो कौन सी ले, तो वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि 160 सीसी एसपी का वीडियो बनाइए आप, तो आइए आज आपका डिमांड को पूरा करते हैं। एसपी 160 का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले अगर इसमें मॉडल की बात करें तो इसमें दो तरीके का आता है, पहला आता है सिंगल चैनल एबीएस और दूसरा आता है आपको सिंगल एबीएस प्लस डिस्क, डबल डिस्क आता है, ठीक है। तो अभी जो हमारे सामने मॉडल है वो टॉप मॉडल लगी हुई है। अब टॉप मॉडल का क्या प्राइस है, ऑन रोड प्राइस कितना है, क्या डिस्काउंट है, लोन एंड फाइनेंस कराओगे तो क्या है, फैसिलिटी क्या है, इंजन क्या है, सारी चीजें आपको वन बाय वन करके मैं बताता हूं। सबसे पहले इसके आते हैं हेडलाइट सेक्शन की तरफ। तो यहां पे आप इसका जो हेडलाइट सेक्शन देखोगे ना, ये बिल्कुल आपको एसपी 125 से मिलता जुलता आपको फ्रंट में इसका हेडलाइट मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो आप यहां पे लाइटिंग सेक्शन देखोगे ये भी आपको एसपी 125 से मिलता जुलता आपको स्प्लिट में एलईडी लाइट के साथ मिलता है। टर्न इंडिकेटर की मैं बात करूं तो टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको पूरा का पूरा बल्ब में मिलता है, इसमें अभी एलईडी कंपनी ने नहीं दिया है, ये आप देखोगे हमारे सामने बल्ब में मिलता है। इसके साथ साथ बात करें इसके फ्रंट में, तो फ्रंट में देखोगे इसका नॉर्मल सा सस्पेंशन मिलता है टेलीस्कोपिक टाइप का। बस एक चीज इसमें बेस्ट क्या मिलता है कि सिंगल चैनल एबीएस मिलता है इसमें, है ना, सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। और दूसरा ये जो डिजाइन देख रहे हो ना, ये आपको ग्लॉसी तो है बट ये दूसरे कलर का ग्लॉसी है विथ ड्यूअल टोन कलर के साथ है। इसके साथ मैं यहाँ पे टायर सेक्शन की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे 80x100 सेक्शन का 17 इंच का टायर मिलता है। और ब्रेक डायमीटर की बात करें तो भैया सेगमेंट से ज्यादा मिलता है, 276 mm का मिलता है। जनरली जो दूसरे गाड़ियों रहता है ना फ्रंट में उसका 240 mm रहता है, लेकिन इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये एसपी 160 का 276 mm है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मैं इस बाइक को पर्सनली कभी राइड नहीं किया हूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर नहीं कर सकता, मतलब मेरा जो अनुभव है चलाने का वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसका जो टेक्निकल फीचर्स है वो मैं आपके सामने बता सकता हूं। इंजन की बात कर लेते हैं तो यहां पे आप इसका जो इंजन देखोगे 162 सीसी का आपको इसका इंजन मिलता है, 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो 13.46 पीएस का मैक्सिमम पावर मिलता है और 14.58 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। और बहुत भाई लोग कह रहे थे कि आपको इंजन गार्ड देना चाहिए था, अपाची के जैसा लगेगा, तो देखिए कहीं ना कहीं स्पोर्ट बाइक के लुक देने के लिए ये आपको यहाँ पे इंजन काउल भी इन्होंने लगा दिया। 160 सीसी में आपको यहाँ पे देखोगे ना ये किक के साथ मिलता है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूं तो फ्यूल टैंक आप देखोगे होंडा का बेजिंग आपको यहां पे क्रोम में मिलेगा और कुछ इस तरीके का सामने से मस्कुलर डिजाइन दिया है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो कि BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे है। साथ ही साथ ग्राफिक्स देखोगे तो रेड कलर में और सिल्वर कलर में ग्राफिक्स मिलता है जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर कंसोल डिजिटल मिलता है, कुछ इस तरीके का आपको मीटर कंसोल मिलेगा, अभी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पे की आपको ये कुछ इस टाइप का नॉर्मल सा की मिलता है। की को लगाने के बाद ये सबसे पहले एबीएस, इंजन मालवेयर फंक्शन, न्यूट्रल और ये हजार्ड लाइट। यहाँ पे आप देखोगे तो आरपीएम लिमिट शो करता है, गियर शिफ्ट एडवाइजर शो करता है, फ्यूल गेज शो करता है, स्पीडोमीटर शो करेगा, ओडोमीटर शो करेगा, ट्रिप मीटर शो करता है और एक टाइमिंग शो करता है। इसके साथ साथ बटन्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे पास लाइट, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर और ये हॉर्न सेक्शन आपको एक बार मैं, ये इसका कुछ हॉर्न सेक्शन हो गया। इसके साथ राइट साइड में बात करें तो रेड कलर में इंजन किल स्विच मिलता है, हजार्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है और सेल्फ का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ये सारी चीजें थी। इसके बाद अब बात करते हैं ये किन लोगों के लिए बेस्ट है, कैसे हाइट वालों के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले इसका जो सीट हाइट है ना वो आप देखोगे इसमें आपको 769 mm का सीट हाइट है। जनरली दूसरे गाड़ियों में 780-790 का सीट हाइट होता है, तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट हाइट वाले लोग भी हैं, इस बाइक को बड़ा ही इजिली चला सकते हैं। इसके साथ साथ पीछे के टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो 130 mm का चौड़ाई मिलता है, 130x70R17 के साथ आपको चौड़ाई मिलेगा। 220 mm का आपको यहां पे ब्रेक डायमीटर मिलता है और ये टॉप मॉडल है तो इसमें रियर में भी डिस्क लगा है। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें ये जो सस्पेंशन आपको रेड कलर में दिख रहा होगा ये मोनोशॉक टाइप का सस्पेंशन मिलेगा। एसपी का बेजिंग मिलता है, 160 का बेजिंग, आपको यूनिकॉर्न के जैसा कुछ एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। एग्जॉस्ट जो आप देखोगे ये यूनिकॉर्न 160 के जैसा मिलता है। और पीछे के टेलाइट सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे टेलाइट सेक्शन, ग्रैब हैंडल आपको पूरा का पूरा कनेक्टेड मिलता है, स्प्लिट में ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। ओवरऑल लुक देखोगे कुछ इस तरीके का लुक है। इंजन आपको 162 सीसी का है, मैक्सिमम
मैक्सिमम पावर आपको 13.46 PS का पावर मिलता है और 14.58 Nm का टॉर्क मिलता है। इसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 172 mm के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो कर्व वेट है ना वो आपको 139 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट मिलता है। देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है दोनों ही बाइक। अगर मैं कलर की बात करूँ, सीट की बात करें तो सीट वाइज कंफर्टेबल है, फैमिली ओरिएंटेड बाइक है, 160 cc में एक हैवी प्रोफाइल के साथ सिंगल सीट में आता है। आपको इसमें स्प्लिट सीट नहीं मिलते हैं, स्प्लिट सीट वो नहीं मिलेगा, बस नॉर्मल मिलता है। और ये जो बॉडी है फाइबर बॉडी है, तो कितना देर तक टिकेगा, क्या इसका लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेशन होता है वो मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, राइड रिव्यू मैं नहीं शेयर कर सकता, अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करता क्योंकि मैं इस बाइक को चलाया नहीं हूँ अभी तक। तो जो टेक्निकल फीचर्स था वो मैंने आपको बताया है। लुक वाइज डिजाइन वाइज आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो देख रहे हो ये डिजाइन, इससे क्या होता है कि हवा जो पास होता है वो सीधा सीधी पास हो जाता है, तो माइलेज पे भी काफी ज्यादा असर नहीं पड़ता है। माइलेज की बात करें तो अप्रोक्स 160 cc की बाइक है तो 45-48 किलोमीटर देनी चाहिए, लेकिन अभी तक मैं इसका माइलेज टेस्ट खुद से नहीं किया हूं तो मैं ये भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको। प्राइस की बात कर ले तो अगर आप सिंगल डिस्क में खरीदोगे तो 118,000 में मिलेगा और डबल डिस्क में खरीदोगे तो 123,000 के आसपास ये होंडा SP 160 cc का ये बाइक देखने को मिलेगा। अब आपको कैसा लगा ये होंडा SP 160 cc आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।